पिछले साल 29-30 सितंबर की रात गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे जवान चंदू चव्हाण, तभी से पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में थे। चंदू के भटककर पाकिस्तानी सीमा में जाने की खबर मिलते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ को दी थी सूचना, तभी से चंदू के रिहाई की जारी की कोशिश। पाकिस्तान ने थपथपाई अपनी पीठ, कहा चंदू ने पाकिस्तानी सेना के सामने किया सरेंडर, पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भारत लौटने के लिए समझाया। शिवपाल यादव पर दिखा मायावती का नरम रुख, मुलायम पर पुत्र मोह में शिवपाल यादव को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया, बोली शिवपाल को टिकट देकर एक सीट पर किया सीमित, समर्थक सिखाएंगे सबक। एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सगे भाई शिवपाल यादव तक को भी बलि का बकरा बना दिया। मायावती बोली आरएसएस नहीं छीन सकता आरक्षण का अधिकार, बीजेपी बंद कर आरक्षण खत्म करने की घुड़की, और इनके आरक्षण को खत्म करने के लिए कानून बनाते हैं तो यदि ऐसा करते हैं तो इनके लिए फिर दिन में ये तारे देखने के ही समान होगा। मुलायम के करीबी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी ने थामा बीएसपी का दामन, मायावती के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंबिका चौधरी ने अखिलेश यादव पर पिता को बेइज्जत करने का आरोप लगाया, बोले मुलायम के साथ हुए बर्ताव से मैं भी हूं दुखी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने नेता और पिता को जिस तरीके से खारिज करने का काम किया है इसकी बड़ी निंदा और आलोचना है और मैं स्वयं भी इससे बहुत दुखी हूं। मायावती ने किया ऐलान, बीएसपी के टिकट पर बलिया से चुनाव मैदान में उतरेंगे अंबिका चौधरी। मायावती ने एक तीर से तीन निशाने साधे, बोली बीजेपी से साठगांठ कर यूपी को बेहाल बनाने वाले अखिलेश अब कांग्रेस के भी सीएम पद का चेहरा। मायावती ने अखिलेश सरकार में 500 से ज्यादा दंगे और बुलंदशहर जैसे बलात्कार कांड का दिया हवाला, फिर दागियों को टिकट देने का मुद्दा उठाया। यूपी चुनाव से पहले संघ प्रवक्ता के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, मनमोहन वैद्य ने की आरक्षण खत्म करने की वकालत। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे मनमोहन वैद्य, कहा आरक्षण की जगह होना चाहिए समान शिक्षा और समान अवसर। सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बनाने वाली बात है ऐसा लगता है। विवाद के बाद मनमोहन वैद्य की सफाई, कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। मनमोहन वैद्य के बयान को लेकर लालू ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट किया बिहार में रगड़ रगड़ के धोया, बाकी कसर यूपी में होगी पूरी। जेडीयू ने मनमोहन वैद्य के बयान को बताया संविधान विरोधी, सारी पार्टियों से की यूपी में बीजेपी के विरोध में एक साथ आने की अपील। शरद यादव बोले संघ और बीजेपी को क्यों नहीं समझ में आता, 80% भारत आरक्षित लोगों का है, यूपी में बीजेपी के बिहार जैसा हाल होने का ऐलान किया। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला बोले मनमोहन वैद्य का बयान दलित विरोधी, ये बयान पीएम मोदी की मानसिकता दर्शाता है। मनमोहन वैद्य के बयान के बाद उगली सियासत, केजरीवाल बोले दलित विरोधी है बीजेपी। बीएसपी नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार राम और आलोक कुमार समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। कांग्रेस ने यूपी चुनाव पर अभी तक नहीं किया उम्मीदवारों का ऐलान, शाम 5:30 दिल्ली में होगी कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक। पंजाब में चुनाव प्रचार में जुटे सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा हटाने के लिए चुनाव आयोग को लिखा खत, कहा पंजाब की सुरक्षा में लगाए जाएं सुरक्षाकर्मी। पंजाब में सोशल मीडिया के जरिए जागो की तर्ज पर मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक, शादी के दौरान महिलाओं को के जागो निकालने की है परंपरा। असम में बीजेपी विधायक दिम्बेश्वर दास का पैर छूते और हाथ जोड़ते एक इंजीनियर की तस्वीर हुई वायरल, लोगों ने किया सवाल क्या यही है अच्छे दिन। नौगांव जिले में इंजीनियर जयंत दास ने गलत जगह पर पार्क विधायक दिम्बेश्वर दास की गाड़ी हटवा दी थी, लिहाजा आग बबूला हो उठे विधायक। सीने में दर्द की शिकायत के बाद टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय अस्पताल में भर्ती, कटक के एसएसबी अस्पताल में हुए एडमिट, रोज वैली घोटाले में हुई है सुदीप की गिरफ्तारी। चेन्नई में मरीना बीच पर जुटे जलीकट्टू के समर्थक, किया डांस। जलीकट्टू के समर्थन में आज डीएम के नेता स्टालिन और कनिमोई एक दिन का उपवास रख रहे हैं।
रामेश्वरम में भी धरने पर बैठे जल्लीकट्टू के समर्थक, छात्रों ने संभाला विरोध का मोर्चा। चेन्नई में जल्लीकट्टू समर्थकों की दिखे अलग तरह के अंदाज, कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ पहुंचे। मुंबई में भी जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे तमिल। दिल्ली में भी जुटे जल्लीकट्टू के समर्थक, जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। जल्लीकट्टू के सवाल पर खामोश नहीं केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, पहले जानवरों के प्रति दयालुता का अक्सर उठा दिया ही है मुद्दा। जल्लीकट्टू के समर्थन पर तबिल अभिनेता सूर्या को पेटा ने भेजा कानूनी नोटिस, फिल्म के प्रमोशन के लिए जल्लीकट्टू के समर्थन का लगाया आरोप। दिल्ली के भलसवा इलाके का उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया निरीक्षण, कूड़े पर लोगों की सुनी शिकायत। 1200 करोड़ खर्च के बावजूद अधूरे सिग्नेचर का ब्रिज का भी उपराज्यपाल ने किया निरीक्षण, 2008 में शीला सरकार ने पुल के लिए पास किया था 450 करोड़ का बजट। बिहार में शराबबंदी के समर्थन में आज 11290 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाने की शुरुआत की, पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश और लालू यादव भी मानव श्रृंखला में हुए शामिल। गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से हो रही है निगरानी, मानव श्रृंखला में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का शामिल होने का अनुमान। पटना में बड़ी तादाद में स्कूली छात्र शराबबंदी के समर्थन में सड़कों पर उतरे, मानव श्रृंखला का हिस्सा बने। सहरसा में भी छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला, लेकिन समस्तीपुर में मानव श्रृंखला के दौरान 8 छात्र हुए बेहोश, अस्पताल ले जाने की आई नौबत। बिहार के नालंदा में भी मानव श्रृंखला के दौरान 15 बच्चों के बेहोश होने की खबर। औली में हुई जोरदार बर्फबारी से सैलानियों की मौज, स्कीइंग के शौकीनों का लगा जमावड़ा। जोशीमठ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद अब आसमान में बादलों ने जमाया डेरा, कड़ाके की ठंड जारी। जोशीमठ में बर्फबारी बनी आफत, दूर दराज के गांव में खाने पीने की चीजों का अभाव। बद्रीनाथ में हुई जोरदार बर्फबारी, कई जगह पर 7 फीट तक मोटी बर्फ की परत जमी, बिजली सप्लाई हुई ठप। दिल्ली NCR में धूप से दिन के तापमान में इजाफा, लेकिन रात और सुबह कड़ाके की ठंड जारी। लुधियाना पुलिस ने सुलझाई 9 साल के मासूम दीपू की मर्डर मिस्ट्री, 16 साल के नाबालिग पड़ोसी को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक फिरौती का प्लान फेल होने पर की हत्या। 6 टुकड़ों में बरामद हुआ 9 साल के दीपू का शव, शव के कुछ हिस्से आरोपी जिस स्कूल में पढ़ता था वहां भी फेंके, बदनाम कर स्कूल बंद कराने की थी मंशा। राजस्थान के झुंझुनू में चलती बुलेरो में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपियों ने छात्रा का वीडियो भी बनाया। जैसलमेर में हमीरा गांव के पास बड़ा हादसा, बाल बाल बचा, रानीखेत एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, पटरी का हिस्सा टूटा। रानीखेत एक्सप्रेस डीरेल होने से जैसलमेर जोधपुर के बीच रेल यातायात ठप। पुरुलिया पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुदीप मुखर्जी को किया गिरफ्तार, TMC ने सुदीप पर नगर निगम के दस्तावेज जबरन हथियाने का लगाया था आरोप। हाजीपुर में कोचिंग के लिए जा रही छात्रा की ट्रक से कुचलकर हुई मौत, लोगों ने किया हंगामा। भिवंडी में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक मंदिर की छत पर मिला युवक का शव, पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। मधुबनी में SSB के 48वीं बटालियन के जवान इकबाल सिंह ने की खुदकुशी, सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी।